वो बोले कि बहू के साथ जाओ नहीं कहीं गिर गिर आ जाएगी। और इतने में वो हमारे पास आई कि वो बच्चा लेके भाग गई। 7:30 बजे के आसपास यहाँ से चोरी हो गया, लेडीज ले गए उठा के। पुलिस अपना काम पर लगी है कि जल्द से जल्द बच्चा जो चोरी हुआ है उसका पता लगाया जाए। शाह खान अस्पताल में मंगलवार को सुबह 8 बजे उस समय हड़कंप मच गया जिस समय अपने आप को अस्पताल की स्टाफ बताने वाली एक अज्ञात महिला उस अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड से एक दिन के नवजात लड़के को चोरी करके फरार हो गई। जिस समय बच्चे की मां अपनी सास के साथ बाथरूम के अंदर कपड़े बदली करने के लिए गई हुई थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि महिला चोर ने अपने आप को अस्पताल कर्मी बताया और सोमवार रात 11 बजे से ही वह बच्चे के इर्द गिर्द घूमती रही और परिजनों के साथ दोस्ती बनाकर इतना विश्वास कायम कर लिया कि वह बच्चे को अपनी गोद में भी लेने लगी और सुबह बच्चे की मां को कपड़े चेंज कराने के लिए बाथरूम में भेज दिया और उसकी सास को भी ये कहकर उसके साथ भेज दिया कि आप बच्चे की मां का ध्यान रखो कहीं गिर ना जाए और खुद मौका पाकर बच्चे को लेकर के फरार हो गए। हालांकि फिलहाल बच्चा चोर महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है जिसके आधार पर पुलिस महिला की गिरेबान तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। 7:30-8 बजे की बात है, मैं बाथरूम करने गई, सासू माँ साथ गई, उसके बाद वो कह रही कपड़ा पकड़ लो, तो मैंने कहा कि कपड़े रख दो, तुम जाओ बाबू के पास, हम कपड़े बदल के आ रहे हैं। उसके बाद वो रूम में आई तो उसे फिर भी वो बोले कि बहू के साथ जाओ नहीं कहीं गिर गिर आ जाएगी। और इतने में वो हमारे पास आई कि वो बच्चा लेके भाग गई। वो बोली कि मैं यही काम करती हूँ, सवेरे बस बाथरूम करते समय बस उतनी टाइम में मैंने खाली वहाँ बाथरूम गई और आई, उतनी टाइम में वो 10-20 मिनट में गायब हो गई। आसपास ही रही, बगल वाले बेड पे बैठी थी, बच्चा लिया भी तो मैंने सारी रात जगी उसके साथ। बच्चा यहाँ 7:30-7:30 बजे के आसपास यहाँ से चोरी हो गया सर, लेडीज ले गए उठा के। ये महिला सर ये आई है सर 11 तारीख को, वही 11 बजे के बाद 11 बजे के आसपास में आई है। कोई इसने बोला कि मैं यहाँ की हॉस्पिटल की ना मतलब कि साफ सफाई वाली हूँ, मैं यहाँ के स्टाफ में ही रहती हूँ, ठीक है जी, और जो दिन में स्टाफ रहता है वो चला गया है, अब मेरी ड्यूटी नाइट में लगी है। तो मेरी मम्मी ने और मेरी वाइफ मैंने भी दोनों ने ना सर उसे विश्वास कर लिया कि हाँ वो यहीं पे, वो यहाँ पे रही, मेरे वार्ड में थी, वहाँ पे सबसे बातचीत कर रही थी। तो किसी को भी नहीं पता था कि मतलब कि सबने सोच लिया कि हाँ ये यहीं पे साफ सफाई वाली ही है, ठीक है सर। तो अपना रही पूरी रात, वो भी जागी और मेरी वाइफ भी पूरी रात जाग रही थी, जागने के बाद मेरे बच्चे को गोदी में खूब खिला रही थी, सब कुछ कर रही थी, खिलाते खिलाते फिर उसने बोला मेरी मम्मी से कि तुम जाके ना अपनी बहू को थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज करवा दो और मैं बच्चे के पास बैठी हूँ, मेरी भी छुट्टी होगी, 10-11 बजे छुट्टी होगी मेरी। तो मम्मी भी सोची कि हाँ ये यहीं की है तो चलो ठीक है भाई, मम्मी चले गए उसको, मेरी वाइफ को चले गए कपड़े वपड़े चेंज करवाने। कपड़े चेंज करवा के जैसे आई तो मेरा बच्चा भी नहीं था और वो लेडीज भी नहीं थी, दोनों गायब। आपको दिखाई दे रही ये तस्वीरें फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल की है जहां पर आप सीसीटीवी की तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि एक महिला गोद में बच्चा उठाए अस्पताल परिसर से निकल रही है। बता दें कि ये वही बच्चा चोर महिला है जो कि जच्चा बच्चा वार्ड से एक दिन के नवजात बच्चे को चोरी करके ले जा रही है। दरअसल फरीदाबाद अनंगपुर डेयरी के रहने वाले सुनील ने अपनी पत्नी सुनीता को रविवार को अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था। रविवार को देर रात उन्होंने बेटे को जन्म दिया, लेकिन सोमवार रात करीब 11 बजे एक महिला उनके वार्ड में आई जिसने उन्हें बताया कि वह अस्पताल के स्टाफ है और अस्पताल के वार्ड में घूमने लगी। सुनील के मुताबिक उन्होंने इस बात पर विश्वास कर लिया जिसने विश्वास का फायदा उठाते हुए सोमवार सुबह करीब 8 बजे बच्चे को चोरी कर लिया और ऑटो में बैठकर वहां से फरार हो गए। फिलहाल इस मामले में अस्पताल प्रबंधक की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है जो पूरे मामले की जांच करेगी और ये आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि जच्चा बच्चा वार्ड के अंदर सिर्फ वही महिला प्रवेश कर सकती है जिसको जच्चा जानती होगी और उसकी अनुमति देगी। रविवार की रात को एक महिला दाखिल हुई थी डिलीवरी के लिए और उसका जो है सोमवार की करीब सुबह 3:30 बजे सुबह उसका डिलीवरी हुई, लड़का पैदा हुआ और उसके जो है आज मंगलवार सुबह में ये सूचना प्राप्त हुई कि उसका बच्चा जो है कोई अनजान महिला लेकर चली गई है। तो इसके जो चोरी हुई है इसके लिए हम पुलिस को
रिपोर्ट कर चुके हैं, क्राइम ब्रांच अपना काम कर रही है और जो इसके लिए हमने इंक्वायरी मांग की है, जांच करा रहे हैं, कमेटी गठित कर दी गई है और वो सभी जांच के लिए बुला लिए गए हैं कि पता लगाने के लिए कहां किस प्रकार का कोई गलती जो कोई हमारे स्टाफ से यदि हुई है। इसके अलावा इतना तो है ज़रूर कि भाई वो अनजान व्यक्ति को उन्होंने बचा दिया जो कि वो किसी भी तरह से ठीक नहीं है और हम बाकी जांच करा रहे हैं और पुलिस अपना काम पर लगी है कि जल्द से जल्द बच्चा जो चोरी हुआ है उसका पता लगाया जाए, उसे रिकवर किया जाए और माता पिता को वापस दे दिया जाए। लोगों को इस तरह से किसी भी भकाई में नहीं आना चाहिए, कोई भी कुछ बोल रहा है, स्टाफ हमेशा वर्दी में होता है। सुरक्षा के लिए हमारे पास ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड्स तो हैं ही और अभी से ही मैंने उनको संदेश दे दिया है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति इस तरह से वार्ड में कहीं भी दिखाई देता है तो उससे जरूर पूछें, बल्कि कोई भी महिला पेशेंट के साथ में होती है तो उससे जरूर पूछें कि आप किसके साथ हैं, बल्कि मैंने कहा है कि पेशेंट से पूछें, उससे भी नहीं, पेशेंट से पूछें कि आपके साथ हैं ये, यदि वो उसके साथ है ओनली सिर्फ तभी उसको अंदर अलाउड होना चाहिए और ये हर समय ये ध्यान रखें। इस मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर बच्चा चोरी करने वाली महिला की जांच शुरू कर दी है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक आरोपी महिला तक पहुंच पाती है ताकि महिला के चंगुल से बच्चे को बरामद किया जा सके। संडे इवनिंग में एक लेडी डिलीवरी के लिए यहाँ आई थी, अनीता नाम है उसका और अनंगपुर डेयरी में वो रहते हैं, वैसे रहने वाले बाराबंकी यूपी के हैं। तो सोमवार को सुबह 3:30 बजे करीब लड़का पैदा हुआ उनको, तो सोमवार की शाम को एक लेडी आती है यहाँ पे और वो इनसे कहती है कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ, तो वो उनके साथ फ्रेंडली हो जाती है और पूरी रात उनके साथ रहती है, सुबह मौका देखकर और वो उस बच्चे को लेके चली जाती है, तो जिनके खिलाफ हमने अभी केस रजिस्टर्ड कर लिया है और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। बता दें कि फरीदाबाद के बीके अस्पताल से बच्चा चोरी होने का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी साल 2017 में यहां से एक और बच्चे को चोरी कर लिया गया था, उस समय भी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे और एक बार फिर बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया है। लेकिन यहां पर तैनात कर्मियों के ऊपर फिर यही सवाल उठता है कि एक अनजान महिला अपने आप को अस्पताल का स्टाफ बताकर जच्चा बच्चा वार्ड में बनी रही, लेकिन अस्पताल के किसी भी कर्मी की नजर उस पर नहीं पड़ी और वह सरेआम दिन दहाड़े बच्चे को चोरी करके भी ले गए। लेकिन देखना इस बात का होगा कि अस्पताल प्रबंधक द्वारा गठित की गई कमेटी की जांच में किस कर्मी की लापरवाही सामने आती है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।